एटा के जलेसर में दरगाह शरीफ मेला उसका उद्घाटन करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास सुमन, जहां उन्होंने आयोजित मेला और शरीफ कार्यक्रम में भाग लेकर मेले का फीता काट कर किया मेले का उद्घाटन। उद्घाटन में दूर से आए सभी अतिथियों का फूल मालाओं से सम्मान प्रकट किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित दरगाह कमेटी के अध्यक्ष मुनिद्दीन उर्फ पब्लू पहलवान तथा सचिव मोहम्मद शकील खान ने बताया कि जलेसर में गत वर्ष के बाद इस वर्ष भी दरगाह शरीफ पर 762वां मेला और आयोजन किया जा रहा है, जिसका विधिवत फीता काटकर शुभारंभ सपा के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजीलाल सुमन ने किया है। इस क्रम में मीडिया का जिक्र करते हुए बताया कि इस बार मेले में आतिशबाजी का प्रोग्राम भी रखा गया है।